हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लेज ब्यूटी। कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो एक इंडियन ब्रांड से हैं। जी हाँ, इंडियन ब्रांड से हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं की प्रोडक्ट के मैं रिव्यू भी करूँगी, तो शुरू से लेकर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जिस ब्रांड के बारे में बात करी थी उस ब्रांड का नाम है ऑर्गेनिक स्पर्श। ऑर्गेनिक स्पर्श एक इंडियन ब्रांड है और ये एक ऐसा ब्रांड है जो कम्प्लीटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाता है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ। इसकी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पर इंडियन ब्रांड है तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ से 3 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है रोसीटा बॉडी योगर्ट। ये एक बॉडी मॉइस्चराइज़र है, मैंने इसको ट्राई करा है, बहुत मज़े का है। अभी रिव्यू में आगे देती हूँ, आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ। जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है चारकोल एश एक्सफोलिएटर। ये है, इस तरह से दिखता है। और जो थर्ड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है ऑर्गेनिक स्पर्श का स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक पाउडर। इसमें पाउडर है ये। तो ये 3 प्रोडक्ट जो हैं मुझे रिसीव हुए हैं, तो अब डीपली इनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है ये रोसीटा बॉडी योगर्ट। हाँ, रोसीटा बॉडी योगर्ट, ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। ये मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि सिर्फ इसी को मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 डेज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे मतलब ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इसका रिजल्ट भी अच्छा है, मॉइस्चराइज़र है ये, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, मेरे लिए तो इसने अच्छा वर्क करा है। तो बात करें इसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग ये प्लास्टिक पैकेजिंग में आती है टब में। इसका जो टब है ये प्लास्टिक का है और ये ब्लैक है और पिंक कलर का, क्योंकि ये रोसीटा बॉडी योगर्ट है तो पिंक की मतलब पिंक पिंक कलर का इसको करा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। MRP भी लिखी गई है इसका, यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब है, बेनिफिट्स हैं इसमें, इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से डलेंगे ये चीज़ भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इसमें शी बटर है, रोज़ बटर है, ग्लिसरीन है, रोसीटा ऑयल है, प्लस रोसीटा रोज़ एक्सट्रैक्ट है इसमें, ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें। इसका बेनिफिट भी लिखा है कि ये नॉन ग्रीसी है, सच में ये नॉन ग्रीसी है, मैंने यूज़ करा तो मैं आपको बता रही हूँ। मॉइस्चराइजिंग है, कामिंग है, अब्जॉर्ब कर लेता है इजीली, बहुत इजीली अब्जॉर्ब करती है, ये चीज़ें प्लस पॉइंट है इसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे दिखता है। तो इसका ये कुछ ऐसा सा है, ये बेबी पिंक कलर का है। अब कभी मैं इसको अपने हाथों पर अप्लाई देखूँगी। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखें अभी आपके सामने कितना इजीली ऑब्जर्व हो गया है, मुझे ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और नॉन स्टिकी है, इसमें स्टिकीनेस नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है, जैसे गुलाब जल की होती है एग्जैक्ट वैसी ही है। और पता चल रहा है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, तो मतलब ये तो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी इसके सारे मैंने प्लस पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। इसका कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, बस हाँ ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है। तो आप ये तो वो तो किसी भी मॉइस्चराइज़र के ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है, पर ये चीज़ है आपको फील होएगा कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है गुलाब जल का। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, अमेजिंग है, मतलब मेरे लिए ओके है। जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है ये छोटू सा चारकोल एश एक्सफोलिएटर। ये एक स्क्रब है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये 50 ग्राम का है, आई थिंक ये इतने में ही, आई थिंक 50 ग्राम में ही आता है इसका। 250 ग्राम का मुझे वेबसाइट में नहीं दिखा, आप चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, अभी लाइव मैं आपके सामने ट्राई करने वाली हूँ। तो मैं इसको जो ये वाला स्क्रब है इसको मैं अपने नोज़ पर ट्राई करूँगी, बिकॉज मेरे यहाँ पर ब्लैक हेड्स हैं, आराम से देख जाएंगे कि हाँ इसमें क्या काम करें। और बात करें इसके अंदर की पैकेजिंग की, सॉरी अंदर की प्रोडक्ट की, तो ये ग्रे कलर का है और इसकी फ्रेग्रेंस जैसे स्क्रब में आती है एग्जैक्ट वैसी है, मतलब हाँ वैसी सी ही है। तो ये अंदर से कुछ ऐसी है,
और अब मैं लगाने जा रही हूँ इसको अपने नोज़ पर और स्क्रब करूँगी। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने अपनी नोज़ को पहले जहाँ पे भी आप स्क्रब करो वहाँ वो स्किन को आपने वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपने थोड़ा सा ये लेना है स्क्रब और उसको वहाँ से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। मसाज करने के बाद आपने जो जो सा आप एरिया में लगा रहे हो अप्लाई कर रहे हो उसको मसाज कर रही थी उसको वॉश करें ना, फिर आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर स्क्रब करने जा रही हूँ, तो मैंने अपने नोज़ को कर लेना है अच्छे से वेट। और अब मैं ले रही हूँ ये चारकोल एश एक्सफोलिएटर, ठीक है जी। इतना सा मैंने लिया है और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया है और अब इसको 2 से 3 मिनट तक मैं करूँगी मसाज। मेरे यहाँ पर मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया था, मेरे को इसका रिजल्ट नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम अभी ट्राई कर रही हूँ। तो अब मेरे को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको स्क्रब कर लिया है। अब मैं अपनी नोज को वॉश कर कराती हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो जब भी आप अपने फेस में स्क्रब करते हैं या बॉडी वगैरह कहीं पर भी, आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया करें। मैंने यहाँ पर लगाया रोसीटा बॉडी योगर्ट। अब हम देखेंगे कि जो मेरे ब्लैक हेड हैं वो गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा थे। तो देखते हैं हमारे ब्लैक हेड्स, नाक ना ऐसे शाइन कर रही हूँ, लश्कारे मार रही हैं। अगर एक टाइम फर्स्ट टाइम में इसने इतने रिमूव कर दिए हैं तो सेकंड टाइम में और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये भी अच्छा है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, चारकोल एश एक्सफोलिएटर। ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। फर्स्ट टाइम आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो सेकंड टाइम तो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा, तो इसको भी ट्राई करें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इसके सारा कुछ। तो ये ब्लैकहेड्स रिमूव करता ही है, बाकी आप यूज़ करें, ट्रस्ट करें, ठीक है। और जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक स्पर्श वालों की तरफ से, ये है स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक पाउडर। इसको मैं अपने हाथ पे यूज़ करने वाली हूँ, फेस पे यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे पिंपल निकला हुआ है। तो जब मेरे पिंपल आ गए तब मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, इसको अपने आप ही जाने देती हूँ। तो अभी मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन अपनी स्किन पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। ये तो बात करें इस फेस पैक पाउडर की पैकेजिंग की, पैकेजिंग ये कुछ इस तरह से आती है। ये एक ब्राउन पेपर में ऐसा मुझे रिसीव हुआ था। एक्चुअली इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर था जो लगा हुआ था, वो मैंने रिमूव करा है। तो ये उसके बाद ये ऐसे बैग में, ब्राउन कलर का जो बैग है, पेपर बैग है, उसमें मुझे रिसीव हुआ है। और इसमें कुछ इस तरह का एक जिपर लगा हुआ है, जब आपने इसको यूज़ करना है तब आप ऐसे ओपन कर लें, जब आपने यूज़ कर लें तब आप इस तरह से बंद कर लें, ताकि इसमें कुछ भी हवा ना जाए, प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो। तो इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब चलें फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं अपने हैंड्स पे, स्किन पे, और फिर मैं आपको इसका मतलब रिजल्ट बताती हूँ कैसा है। मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है कर्ड, मतलब मेरे को जितनी चाहिए मैंने उतनी अमाउंट में ले ली है। और अब मैं अप्लाई करने इसमें मिक्स करने वाली हूँ ये पाउडर। इसमें बस मिक्स करना है अपने दही के अंदर और एक थिक पेस्ट अप्लाई कर लेना है अपने स्किन पर। इसमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स की आ रही है इसमें, मतलब पता चल रहा है कि हाँ इसमें क्या क्या डाला है, स्पेशली मसूर दाल की बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसमें मसूर दाल की बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है, तो इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। ये मेरा जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है, तो इसका अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने हैंड्स पर, ताकि उसका रिजल्ट है तो अच्छे से पता चल जाए। इसकी थिक लेयर जो है मैंने अपने हैंड्स पे अप्लाई कर ली है। अब इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी 15 मिनट तक और फिर देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट लेकर आता है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको ऐसे ही रखते हुए। मुझे ये लग रहा है कि इसमें मैंने कर्ड ज़्यादा मिक्स कर दिया था, जिस जो पेस्ट है वो थोड़ा पतला हो गया था। बट इट्स ओके, रिजल्ट जो भी होगा वो तो देखा ही पता ही चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। तो मैं इसको ठंडे पानी से मैं अपने हाथ को वॉश कर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ डिफरेंस दोनों हाथों में और मुझे क्या फील हुआ। मैंने अपने हाथ को ठंडे पानी से वॉश कर लिया है और अभी आप देख सकते हो, दिखेगा नहीं आपको फ़र्क, बट मैं जो फील कर रही हूँ वो
हाथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, इसके अकॉर्डिंग स्किन ना क्लीन सी लग रही है, जैसे हम स्क्रब करते हैं ना बॉडी में वैसा सा फील आ रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर इसमें मैं कर्ड के साथ साथ अगर टर्मरिक भी उसमें यूज़ करती तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता। बट ठीक है, आपको अभी ऐसा नहीं पता चलेगा जब तक आप, जैसे आपको पहले बोला, आपको कम से कम एक महीने तक इसको यूज़ करके रहना चाहिए, तब आपको आपके स्किन में फ़र्क पता चलता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो बाकी जब जैसे मेरा पिंपल ठीक हो जाएगा, मैं इसको फेस पे ट्राई करके भी आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक स्पर्श एक इंडियन ब्रांड है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है, इसमें कोई हार्श केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा अच्छा लगा। और मेरी बात की जाए तो मुझे रोसीता बॉडी योगर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मेरा अब तक का फेवरेट मॉइस्चराइज़र है जो मैंने अभी तक यूज़ करा है। मतलब बहुत अच्छा है ये आप, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएंगी। और बात की जाए स्क्रब की, स्क्रब में भी आपको मतलब इनके हर प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएंगी। और लिप बाम भी आप इनके ट्राई कर सकते हैं, इनके सॉल्ट सोप भी होते हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट में जाके ज़रूर चेक कीजिए, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में शेयर करना ना भूलिएगा। और ऑर्गेनिक स्पर्श वालों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप इनके साथ ऑर्डर नहीं कर पाते हैं तो आप उनको वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे, तीनों प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये आप ज़रूर लें, ये और एक ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इन दोनों को तो मैं बोलूँगी कि आप ले ही लें। और ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको स्किन केयर प्रोडक्ट सारे पसंद आए होंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और फॉलो करना है मुझे द ग्लेज ब्यूटी के नाम से इंस्टाग्राम पर, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और आपने ऑर्गेनिक स्पर्श वालों को भी फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स।